आज जैसे कि आप सब जानते हैं पाक सब्बत है, सैटरडे की नाइट और हमारा आखिरी विजिट वेस्टर्न वॉल। ये मेरी पसंदीदा जगह जहाँ पर मैं आता हूँ और आकर के दुआ भी की, और ये एक रस्म है जो वो अदा कर रहे हैं अयोध्या, और इस रस्म को भी देखिएगा ये जो अदा कर रहे हैं। हेलो हेलो जाल, कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा हूँ जाल जी। यार ना वेस्टर्न वॉल यानी जिसे दीवारें गिरिया कहते हैं हम उस पर है, और ये रियली वाकई है। जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि आप जब जाओगे वहाँ पर तो आपको खुदा की हजूरी महसूस होगी, वाकई यहाँ पर इतना सुकून सतूत और खूबसूरत सा मंजर, और वाकई ऐसे लग रहा है जैसे कि वंडरफुल। खुदा उनका शुक्र। और हेलो ठीक है, ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? जी जी बिल्कुल ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। क्या कर रहे हैं आप? जनाब मैं आज आया हूँ वेस्टर्न वॉल पर देखने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसा कि बताया जाता है कि वहाँ पर आप खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे, वाकई हम यहाँ पर कर रहे हैं, और इतनी बाबरकत फिजा है यहाँ पर, और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें उस सुलेमानी हैक या उसकी दीवार को देखने का हमें मौका दिया, और हम अभी इसराइल में हैं और दमास्टक गेट के सामने बिल्कुल खड़े हैं। ये दमास्टक गेट है और ये साथ इनका रेलवे स्टेशन है, ये दमास्टक गेट है और इसके इंट्रेस पर हम खड़े हैं, और सामने दीवारें गिरिया जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं, और उसका ये हैकल का वो हिस्सा है जिस को जो बच गया था, बहुत सारे इस पर हालात आए, बहुत सारे हुकूमतों ने यहाँ पर हमले किए, सब कुछ बर्बाद किया, तोड़ दिया, मगर ये वेस्टर्न वॉल अब तक कायम है, और जीव जो इस के हकदार हैं या जो जिनकी ये मलकियत है वो ये मानते हैं कि वेस्टर्न वॉल जो है ये हमारे लिए अब भी वो वैसे ही बाइसे बरकत है जैसे सुलेमान के दौर में ये हैकल बाइसे बरकत, और फिर से ये हैकल तमीर होगी ये इनका मानना है, और हम मसीही लोग भी यहाँ पर आते हैं और उन सारी बरकतों से मुस्तफ़ीद होते हैं, और खुदावंद की जो बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है उसे पढ़कर देखकर जब यकीन करते हैं हमारा यकीन और भी पक्का हो जाता है। ये खूबसूरत सा मंजर, खूबसूरत सी मंजर कशी, और जहाँ पर जो परिंदे ऊपर चहचहा रहे हैं, जो घूम रहे हैं, ये रियली वाकई ऐसे लगता है कि खुदावंद की कुदरत यहाँ पर है। ये अबाबील छोटा सा परिंदा होता है, ये वो यहाँ पर बहुत सारा उड़ रहा है, और ये भी कहते हैं कि ये आज से नहीं बल्कि हज़ारों साल पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, और इनकी नस्ल यहीं पर बसेरा करती है और यहीं पर रहती है।